हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एसएससी जेई ए टू जेड पे। और अगर आप लोग एसएससी जेई की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये है आपका डायमेंशन लेस नंबर, ठीक है? ऐसे नंबर होते हैं जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है? और ये फ्लूइड मैकेनिक्स में, चाहे आप सिविल ब्रांच के हों या फिर मैकेनिकल ब्रांच हों, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। और एसएससी जे में आपके कम से कम एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक दो क्वेश्चन इन टॉपिक से बनने वाले हैं। ये पांच जो नंबर मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ, कम से कम इसमें से एक नंबर जो है आपके एग्जाम में पूछा ही जाने वाला है। तो ध्यान से देखिए। और यहाँ पे एक ट्रिक मैं बताऊँगा कि किस तरीके से आप इन नंबर्स को याद कर सकते हैं और कभी ज़िंदगी में आप भूलेंगे नहीं, ठीक है? तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं डायमेंशन लेस नंबर्स और ऑब्टेंड बाई डिवाइडिंग इनर्सिया फोर्स। इनर्सिया फोर्स को हम डिवाइड करते हैं किससे? विस्कस फोर्स या फिर ग्रेविटी फोर्स या फिर प्रेशर फोर्स, सरफेस टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स। इनमें से किसी से भी हम डिवाइड करेंगे अगर इनर्सिया फोर्स को, तो हमें क्या प्राप्त होगा? यूनिटलेस नंबर या फिर डायमेंशन लेस नंबर प्राप्त होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से आपके डायमेंशन लेस नंबर आपके सिलेबस में है। तो ये सबसे पहले आपका है रेनॉल्ड्स नंबर, सेकंड क्या है फ्रॉड्स नंबर, थर्ड यूलर्स नंबर और फोर्थ जो है वेबर नंबर है, और फिफ्थ जो है आपका मैक नंबर। जो मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ उसमें जो ये फर्स्ट लेटर है सबका, ये आपको ध्यान रखना चाहिए, र फ ए व म, ठीक है? तो ये आपका र फ ई डब्ल्यू एम, ठीक है? तो इसको आप याद रख सकते हैं, रफ एवम, ठीक है? र फे व म, ठीक है? आर से रेनॉल्ड्स नंबर, एफ से प्रॉड नंबर, ए ए से जो है यूलर नंबर, व से आपका वेवर नंबर होता है, और म से जो होता है मैक नंबर होता है, ठीक है? तो ये आप लोग याद रख लेंगे। नेक्स्ट जो आपका ट्रिक है वो है व ज प से, ठीक है? वे आपका वी से होता है, जे आपका जी से होता है, पे आपका पी से होता है, और लास्ट जो बचता है, ये दोनों लास्ट जो बचते हैं, व ज प से, एस जो होता है, ठीक है? उसके बाद आपका होता है ई, ठीक है? ई यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका हो गया र फे वम व ज प से, ठीक है? तो इन दोनों को आप लोग ऐसे ही पैरेलल में लिख लेंगे, र फे वम व ज प से, अगर आप याद रख लेते हैं और इस तरीके से इनको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे आपका जो रेनॉल्ड्स नंबर होता है वो क्या होता है, सबको पता है कि ऊपर जो आपका होता है वो क्या होता है, इनर्सिया फोर्स होता है, ठीक है? ये जो ऊपर आपका होता है ये क्या होता है आपका, इनर्सिया फोर्स होता है। सभी में देखिए इनर्सिया फोर्स, इनर्सिया फोर्स, इनर्सिया फोर्स, इनर्सिया फोर्स, इनर्सिया फोर्स, ठीक है? न्यूमरेटर में सब में इनर्सिया फोर्स होगा, चेंज कहाँ होगा? यहाँ पे देखिए रेनॉल्ड्स नंबर में क्या हो गया आपका, विस्कस फोर्स हो गया, फ्रॉड नंबर में हो गया आपका ग्रेविटी फोर्स, और अगर हम बात करें यूलर नंबर में तो यूलर नंबर में आपका प्रेशर फोर्स हो गया, और वेबर नंबर में सरफेस टेंशन फोर्स, और मैक नंबर में जो आपको, तो ये आपके मैक नंबर में जो होता है आपका इलास्टिक फोर्स होता है, ठीक है? तो एक बार और ये इस ट्रिक को मैं आप यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे आपका होता है र फे व म, ठीक है? यहाँ से फिर शुरू करेंगे व ज प से ई, ठीक है? व जब से रेनॉल्ड्स नंबर का क्या होता है, इनर्सिया फोर्स अपन विस्कस फोर्स, फ्रॉड नंबर का इनर्सिया फोर्स अपन ग्रेविटी फोर्स, यूलर नंबर का इनर्सिया फोर्स अपन प्रेशर फोर्स होता है, और वेवर नंबर का क्या होता है, इनर्सिया फोर्स अपन सरफेस टेंशन फोर्स, और मैक नंबर जो होता है आपका इनर्सिया फोर्स अपन इलास्टिक फोर्स, ठीक है? तो ये आपके हो गए रफ एवं वजब से। ये ट्रिक आप लोग याद रखेंगे और इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। अगर नहीं पूछे जाएंगे तो आप लोग हमसे आके यहाँ पे कॉन्टैक्ट करें, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कमेंट करें। और एक बात और मैं बताऊं, कम से कम इससे एक क्वेश्चन और अधिक से अधिक दो क्वेश्चन आपके एसएससी जेई के एग्जाम में बनने ही वाले हैं। तो एक बार और ट्रिक यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ताकि अच्छे तरीके से याद हो जाए, र फे फ म, ठीक है? रफ एवं व जब से रेनॉल्ड्स नंबर, आर से रेनॉल्ड्स नंबर, वी से आपका विस्कस फोर्स, ठीक है? इनर्सिया फोर्स सभी में, न्यूमरेटर में सब में इनर्सिया फोर्स होगा। यहाँ पे फ्रॉड नंबर देखेंगे आपका तो ये क्या होता है, इनर्सिया फोर्स यहाँ भी है, नीचे ग्रेविटी फोर्स हो जाएगा व जब से, ठीक है? जी फ्रॉड नंबर के साथ जी आएगा, ठीक है? यूलर नंबर, यूलर नंबर के साथ आपका ई के साथ क्या आ रहा है, पी आ रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो गया, इनर्सिया फोर्स अपन प्रेशर फोर्स। यहाँ पे वेवर नंबर की बात करेंगे तो वेवर नंबर में इनर्सिया फोर्स के साथ क्या आ रहा है, सरफेस टेंशन फोर्स, तो डब्ल्यू के साथ क्या आ जाएगा, एस। यहाँ पे मैक नंबर की अगर बात करेंगे तो ये इनर्सिया फोर्स अपन क्या होता है आपका, इलास्टिक फोर्स, तो एम के साथ क्या हो गया, ई अल्फाबेट आ गया, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कम एक क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं। ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के लिए यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।